अहम इस्लामी मुल्क ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज लाखों की तादाद में लोग एतकाफ में बैठे। दूसरी जानिब बाजारों में भी रश बढ़ गया है। ईद की शॉपिंग के लिए इफ्तारी के बाद मामूल से ज्यादा गहमा गहमी देखने में आ रही है। मुल्क में इस बार कितनी छुट्टियां हो रही हैं ताहाल ऐलान नहीं किया गया, जबकि सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां दी गई हैं। छुट्टियां 21 से 24 अप्रैल तक होंगी। रमजान अल मुबारक के दौरान ममलकत में काम के औकात सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में रमजान अल मुबारक का आगाज 23 मार्च को हुआ था। पाकिस्तान में भी ईद उल फितर की 4 या 5 छुट्टियां होने का इम्कान है। इस हवाले से समरी वजीर आजम हाउस भिजवा दी गई है। तवक्को की जा रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ रवां हफ्ते ही छुट्टियों का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में ईद उल फितर अगर 21 अप्रैल को हुई तो 20 से 23 तक 4 छुट्टियां दी जाएंगी, और अगर 22 अप्रैल को हुई तो 20 से 24 तक 5 छुट्टियां देने का इम्कान है। वजीर आजम की बाज़ाबिता मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगी।